इस समय हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, जहाँ पे कथित तौर पे कुछ MMS लीक के मामले सामने आए हैं और जिसमें दो गिरफ्तारियां भी हुई हैं एक लड़की की, और हम कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। यूनिवर्सिटी में 5 दिन पहले बच्चों ने रिपोर्ट करा था वार्डन्स को कि एक लड़की को पकड़ा गया वीडियो बनाते हुए। 5 डेज तक यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो परसों प्रोटेस्ट शुरू करा गर्ल्स ने। फिर जिस दिन पूरे शाम से 5 बजे से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कॉलेज वालों ने कुछ एक्शंस नहीं लिए। जब वो ज़्यादा हो गया तब पुलिस आई, तब सब कुछ हुआ है। एंड देन परसों तो काफ़ी वॉयलेंट था, बट कल प्रोटेस्ट काफ़ी पीसफुल था। मतलब बच्चों ने बस अपने डिमांड्स रखे और पुलिस वगैरह से बात करी। अफ्रेड की तो कोई बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट, बट व्हाट एवर हैपेंड इट वाज जस्ट रियली रॉन्ग। सर गलत हुआ है जो भी हुआ है, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम। अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि कॉलेज वाले ही जो करेंगे वो करेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस आया, हमारा टाइम चेंज हुआ है हॉस्टल का। जैसे हमारा नाइट टाइम 7 बजे होता था वो 9:30 हो गया है, और जो लड़कियां हॉस्पिटल में उन्हें कंपनसेट किया गया। तो क्या आपके मन में कोई डर या शंका है कुछ? ऑब्वियसली डर है कि जिस हिसाब से सब कुछ हो रहा है, और सेफ्टी मेजर्स काफ़ी लेने पड़ेंगे कॉलेज को फॉर गर्ल्स स्पेशली, बिकॉज गर्ल्स काफ़ी डरी हुई हैं। सो व्हाट यू आर डिमांडिंग फॉर? वी आर डिमांडिंग फॉर आवर सेफ्टी फर्स्ट, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। एंड ऑब्वियसली जिस हिसाब से ये हुआ है और कॉलेज वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया ऑन टाइम, तो वो भी उनकी गलती है कि उनको ऑन टाइम एक्शंस लेने चाहिए थे, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए था, काफ़ी लेट एक्शंस लिए गए हैं। इनसिक्योरिटी है, अभी फैमिली हॉस्टल में भेजती है सिक्योरिटी के लिए, तो अभी हॉस्टल में ही ऐसा होगा तो ये सब। वो ऊपर से भी खुला, नीचे से भी काफ़ी स्पेस है, तो सिक्योरिटी तो कहाँ से है। पेरेंट्स तो थोड़ा सा कह रहे, अभी तो हमें छुट्टी दी गई है तो कहते वापस आ जाओ, तो पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि सेफ रहे और कुछ नहीं। ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही, ऐसा हुआ है तो सही है। इसमें वॉशरूम अच्छे नहीं है, और वो लड़की की भी है कि एक्चुअली वीडियोस गर्ल्स को खुद नहीं पता कि किस किस की वीडियोस थी, मोस्टली मोस्ट ऑफ देम डोंट नो कि उनकी वीडियोस थी या नहीं थी, तो अभी किसी को पता नहीं है। एंड मेरी एसेट्स किसी से बात नहीं। प्रोटेस्ट यही था कि हम कॉलेज वालों से डिमांड कर रहे थे कि पीसफुल, मतलब हमारी सेफ्टी इंश्योर करें वो लोग, और जो गर्ल्स हॉस्टल में रह रही है उनके लिए सब कुछ सही हो, एज इन बाथरूम्स रिकन्स्ट्रक्ट हो जिस हिसाब से बने हुए हैं वैसे ना रहे, प्राइवेसी हो गर्ल्स के लिए। एंड डिमांड्स यही थी कि कॉलेज वालों को थोड़ा जल्दी एक्शन लेना चाहिए था, बस यही सब था। बस कर लीजिए। आ देखो
ये स्टूडेंट्स थी जो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उन्होंने हमको बताया कि ये काफ़ी रूमर्स फैले कि इतने वीडियोस लीक हुए हैं, इतने नहीं हुए हैं या फिर इतने हो गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बच्चे डरे हुए हैं, वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि उनकी सेफ्टी इंश्योर हो। तो ये सब फैसला कॉलेज प्रशासन को लेना है, और कॉलेज प्रशासन ने तो साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई वाकया, इतने वीडियोस थे नहीं, और सिर्फ एक ही लड़की था जिसने वीडियोस बनाए थे और वो भी उसने अपने बॉयफ्रेंड से भेजे। तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर चुकी है, दोनों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, और आगे क्या कार्रवाई होती है यही एक देखने वाली बात होगी। मैं आशीष रमोला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मौजूद स्टोरी के लिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.